के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई कैरियर ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज़ आप सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में जो है महिला पर्यवेक्षक के 300 पोस्ट आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है और एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक यदि आप बनना चाहते हैं तो 300 पोस्ट आप लोगों के लिए आया है और इसके लिए सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, महिला पर्यवेक्षक काफ़ी लंबे समय से आप सभी स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि कब छत्तीसगढ़ में नई नई वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन व्यापम से जो है जारी हो सके। तो आप सभी स्टूडेंट के लिए व्यापम में जो है एक के बाद एक जो है नई नई रिक्वायरमेंट्स, नई नई भर्ती वैकेंसी जो है निकल कर आ रहा है और छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त महिला परीवेक्षक के 300 पोस्ट पदों पर 300 भर्ती परीक्षा आप लोगों के लिए निकाले जा रहे हैं। तो 300 पोस्ट के लिए आप आराम से जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए सबसे पहले महिला परीवेक्षक के लिए आपका जो है 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए और इसके साथ आपका रोजगार पंजीयन होना चाहिए। रोजगार पंजीयन जो है अवश्य रूप से करा लीजिए। जब भी हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में फॉर्म फिलअप करते हैं तो हमारा रोजगार पंजीयन जो है अवश्य रूप से होना ही चाहिए। तो यदि आपका रोजगार पंजीयन है और आपने 12वीं पास किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और वही आयु तो एक के बाद एक आप सभी स्टूडेंट के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई रिक्वायरमेंट्स आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करना, तैयारी करना, आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ में काफ़ी लंबे समय के बाद जो है छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक के 300 पोस्ट आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूँ करेंट अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक का पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमको करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। तो सीजी करंट अफेयर्स के लिए आपको दोनों से तैयारी करना है, इसके साथ इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण लेना जो आपका मंथली मैगजीन रिलीज होता है। तो इस तरह से आप जो है छत्तीसगढ़ में सीजी करंट अफेयर्स एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और आपको जो है करंट अफेयर्स के बारे में जो है बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन, नए नए विज्ञापन आप लोगों के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं। भर्ती विज्ञापन जो है निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में आप लोगों के लिए नए नए कैरियर ऑप्शन, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रहे हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक के 300 पोस्ट आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो इसमें महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा में आपका जो है जीके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि हमको छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, इकोनॉमिक्स के लिए अर्थशास्त्र की तैयारी करने के लिए हम जो है दृष्टि आईएएस का क्विक बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा और आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी मिल पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नई नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रिपरेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, उतने ही एक अच्छा, उतने ही एक बेहतर रिजल्ट आपको जो है मिल पाएगा और आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसी आप लोगों के लिए होने वाला है। तो ज़िंदगी आपकी है, मेहनत आपको करना है, तैयारी आपको करना है, ज़िंदगी आपको अपनी बदलनी है। तो यदि आपको अपनी ज़िंदगी बदलना है, आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करना है, नेम फेम पैसा पाना है, तो उस नेम फेम पैसा पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। आप लोग क्यों सोचते हैं कि मैं मेहनत नहीं करूँगा मुझे सफलता मिल जाएगी? ऐसा नहीं होता, आपको दिन रात अपना पड़ता है, दिन रात जो है स्ट्रगल करना पड़ता है, दिन रात जो है मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर कहीं सफलता और सक्सेस जो है हासिल हो जाता है। यू
हासिल होता है। यूं ही नहीं आपको जो है कामयाबी बिना मेहनत के बिना सफल बिना स्ट्रगल के आपको जो है कोई भी सफलता मिल जाएगा, नहीं होता। आपको तपना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, हार्डवर्क करना पड़ता है। तो यदि आप हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको जो है कामयाबी, सक्सेस और प्रसिद्धि जो है अवश्य रूप से मिल पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नए नए करियर ऑप्शंस, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ हम सभी स्टूडेंट के लिए निकल कर आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप तैयारी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उतना ही उस अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको मेहनत करना होगा। तो मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है। ज़िंदगी में जब भी हमें असफलता मिले, हमें असफलता से सीखना है, ना कि ये सोचने कि हमें हम सक्सेस नहीं हो रहे हैं, हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो मेहनत करना छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेहनत करेंगे, एक दिन आपको कामयाबी सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ज़िंदगी में एक दिन कामयाबी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। उसके लिए हमें थोड़ा सा सब्र करना होगा। जितना ज़्यादा आप सब्र करने के लिए तैयार रहेंगे, उतना ही आपको एक अच्छा रिजल्ट होने वाला, उम्दा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। तो ज़िंदगी आपकी है, मेहनत आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है, तैयारी आपको करना है। तो ज़िंदगी में जब भी आप मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, अच्छे से तैयारी करना, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से ज़रूर हो पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। और छत्तीसगढ़ में महिला पर्यवेक्षक की 300 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है और एक के बाद एक जो है नई नई भर्ती होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना, आपका सिलेक्शन अवश्य रूप से हो पाएगा। और छत्तीसगढ़ में शिक्षक के भी 12,489 पदों पर महत्वपूर्ण भर्ती वैकेंसीज होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना, मेहनत करना, आज नहीं तो कल आपको ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।